प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी, जनमानस की रग रग में बसा है लोकतंत्र। मन की बात कार्यक्रम में बताया मिलिंद सिंह। प्रधानमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स को बताया देश की युवा शक्ति का परिचय। वार्षिक एनसीसी परेड को किया संबोधित। राज्यपाल ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को लोकतंत्र की पहचान बताया। भोपाल ने किया स्वतंत्र। और छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती के आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित। 433 उम्मीदवारों का अलग अलग ग्रेड में चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत की जनमानस की रग रग और संस्कृति में रचा बसा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। श्री मोदी ने द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की चर्चा की, जिसमें भारतीय संस्कृति में लोकतंत्र किस तरह से रचा बसा है उस पर कई निबंध संकलित हैं। साथियों, आज जब हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान गणतंत्र दिवस की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहां एक दिलचस्प किताब का भी जिक्र करूंगा। कुछ हफ्ते पहले ही मुझे मिली इस बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है। इस बुक का नाम इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसमें कई बेहतरीन एसेज हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम भारतीयों को इस बात का गर्व भी है कि हमारा देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है। सदियों से यह हमारे कामकाज का भी एक अभिन्न हिस्सा रहा है। स्वभाव से हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध भिक्षु संघ की तुलना भारतीय संसद से की थी। उन्होंने उसे एक ऐसी संस्था बताया था जहां मोशंस, रिजोल्यूशंस, कोरम, वोटिंग और वोटों की गिनती के लिए कई नियम थे। बाबा साहब का मानना था कि भगवान बुद्ध को इसकी प्रेरणा उस समय की राजनीतिक व्यवस्थाओं से मिली होगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों स्वास्थ्य से जुड़े हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से कहा कि यदि वे छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जाएं तो वहां के मिलेट्स कैफे के व्यंजनों का स्वाद जरूर लें। श्री मोदी ने उड़ीसा में मोटे अनाज के उद्यम से जुड़े लोगों की प्रशंसा की। मौका मिले तो यहां के मिलेट्स कैफे जरूर जाइएगा। कुछ ही महीने पहले शुरू हुए इस मिलेट्स कैफे में चीला, डोसा, मोमोज, पिज्जा और मंचूरियन जैसे आइटम खूब पॉपुलर हो रहे हैं। मैं आपसे एक और बात पूछूं, आपने एंटरप्रेन्योर शब्द सुना होगा, लेकिन क्या आपने मिलेटप्रेन्योर सुना है क्या? ओडिशा की मिलेटप्रेन्योर्स आजकल खूब सुर्खियों में है। आदिवासी जिले सुंदरगढ़ की करीब 1500 महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप ओडिशा मिलेट्स मिशन से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने 12 राज्यों के किसानों के कामकाज की भी तारीफ करते हुए बिलासपुर के संदीप शर्मा का जिक्र किया, जो कि एफपीओ से जुड़े हैं। इस एफपीओ में मोटे अनाज से 8 तरह के आटे और व्यंजन तैयार किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के संदीप शर्मा जी के एफपीओ से आज 12 राज्यों के किसान जुड़े हैं। बिलासपुर का यह एफपीओ 8 प्रकार के मिलेट्स का आटा और उसके व्यंजन बना रहा है।
हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष नक्सल पीड़ित इलाकों में भी भटके युवाओं को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन पद्म पुरस्कार विजेताओं के प्रेरणास्पद जीवन से सीख लें। हमारी विरासत का अभिन्न हिस्सा रहे हैं, देश और समाज के विकास में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए काम करने वाले व्यक्तित्वों का सम्मान नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगा। इस वर्ष पद्म पुरस्कारों की गूंज उन इलाकों में भी सुनाई दे रही है जो नक्सल प्रभावित हुआ करते थे। अपने प्रयासों से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गुमराह युवकों को सही राह दिखाने वालों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके लिए कांकेर में लकड़ी पर नक्काशी करने वाले अजय कुमार मंडावी और गढ़चिरौली के प्रसिद्ध झाड़ीपट्टी रंगभूमि से जुड़े परशुराम कोमाजी खुणे को भी ये सम्मान मिला है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 का ये पहला मन की बात कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से आज हमें कई नई जानकारियां मिली है। उन्होंने मिलेट्स का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमारा परंपरागत भोजन है जो पोषक तत्वों से भरपूर है। मन की बात में आज माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और बहुत सारी नई जानकारियां हम सबको उपलब्ध हुई। खास तौर से मोटे अनाज मिलेट्स के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि कैसे कोदो कुटकी रागी जो हमारी परंपरागत भोजन रहा है पहले, अब वो धीरे धीरे समाप्त हो गया और कैसे उसमें आयरन है, जिंक है, मिनरल्स है और कैसे हमको कोदो कुटकी रागी के अनाज को सेहत के हिसाब से भी खाना चाहिए। और इसको उन्होंने कहा कि कितने सारे अलग अलग रायगढ़ के कैफे का जिक्र किया, अलग अलग स्थानों पे कैसे मार्केटिंग किया जा रहा है, केक बनाया जा रहा है, चीला बनाया जा रहा है, रसगुल्ला बनाया जा रहा है और उसको योग से जोड़ के भी बताया। मूलतः इस तरह के आयोजनों से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना चाहती है। डॉक्टर सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास ठप्प हो गया है, मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं ही कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की नेत्री श्रीमती गीता साहू ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आज अलग अलग बूथों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इस कार्यक्रम को सुना। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की 97वीं कड़ी का प्रसारण आज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों का लाभ देश के युवाओं को मिल रहा है। नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा को उसकी युवा शक्ति निरंतर गति दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, चाहे वो स्टार्टअप क्रांति हो या नवोन्मेष क्रांति, देश के युवाओं को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। आपके बहुत सारे सपने होते हैं और जब सपने संकल्प बन जाए और संकल्प के लिए जीवन जुड़ जाए तो जिंदगी भी सफल हो जाती है। और भारत के युवाओं के लिए ये समय नए अवसरों का समय है। हर तरफ एक ही चर्चा है कि भारत का समय आ गया है। इंडियाज टाइम हैज अराइव्ड। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और इसके पीछे
सबसे बड़ी वजह आप हैं, भारत के युवा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश के सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों से 1,00,000 एनसीसी कैडेट इस अवसर पर मौजूद हैं और ये देश की युवा शक्ति का परिचायक हैं। एनसीसी कैडेट्स के रूप में भी और देश की युवा पीढ़ी के रूप में भी एक अमृत पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अमृत पीढ़ी आने वाले 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी, विकसित बनाएगी। सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में महिलाओं की संख्या दुगनी हुई है। उन्होंने कहा कि आज सेना के तीनों अंगों में महिलाएं तैनात हैं। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में राष्ट्रीय कैडेट कोर भी अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कैडेट कोर को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने ₹75 मूल्य का एक सिक्का भी जारी किया। इस मौके पर 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट्स भी रैली में आमंत्रित थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि यह मजबूत और सफल भी है, जिसका श्रेय उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में होने वाले नवाचारों तथा भारतीय जनमानस की लोकतंत्र में आस्था को दिया है। भोपाल में आयोजित एक समारोह में सुश्री उइके ने ये बात कही। उन्होंने इस अवसर पर लेखक प्रलय श्रीवास्तव द्वारा लिखित किताब मध्य प्रदेश में चुनाव और नवाचार पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव को भारतीय लोकतंत्र की पहचान बताया। साथ ही राज्यपाल ने इस अवसर पर देश निर्माण में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की भूमिका को भी रेखांकित किया। राज्यपाल ने चुनाव प्रक्रिया में होने वाले नवाचारों एवं सुधारों को रेखांकित करते हुए चुनाव प्रक्रिया में अपनाई जा रही तकनीकों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नवाचार ने चुनाव प्रक्रिया को आसान, विश्वसनीय और सरल बनाया है। राज्यपाल ने श्री प्रलय श्रीवास्तव को पुस्तक के लेखन को सराहनीय बताते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुस्तक शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। इस अवसर पर भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर कल डीआरजी की टीम ने ग्राम उसेली, मरमा कोनारी और आसपास के क्षेत्रों में सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। देर शाम इन क्षेत्रों के जंगलों में डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच लगभग आधे घंटे तक गोलीबारी चली। डीआरजी टीम के दबाव के चलते माओवादी घने जंगलों में भाग गए। इस मुठभेड़ में कई माओवादियों को गोली लगने की जानकारी है। मुठभेड़ स्थल से माओवादियों द्वारा छोड़ी गई कई सामग्रियां और माओवादी पर्चे भी बरामद किए गए हैं। माओवादियों की घेराबंदी करने के लिए मुठभेड़ क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल को रवाना किया गया है। इस क्षेत्र में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रदेश में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। कुल 1367 अभ्यर्थियों में से 433 का चयन अग्निवीर जीडी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए किया गया है। परीक्षा परिणाम की जानकारी भारतीय सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इसे प्रदर्शित किया गया है। सभी सफल अभ्यर्थियों को आगे की तैयारियों के लिए 31 जनवरी 2023 को सुबह 8:30 बजे सेना भर्ती कार्यालय रायपुर में उपस्थित होना होगा। सफल उम्मीदवारों की ट्रेनिंग 1 मार्च से अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर में शुरू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 1 से 13 दिसंबर के बीच अग्निवीर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।